भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ बहुत ही सुलझे हुए और बहुत ही जमीन से जुड़े हुए इंसान। वो अपनी हर एक बात जो उनके बचपन की है या फिर जो उन्हें जमीन से जोड़े रखती है उसे शेयर करने में रंच मात्र भी वो हिचकते नहीं है। वो कभी अपने लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड को लेकर शर्मिंदा फील नहीं करते। बात तब की है जब निरहुआ छोटे हुआ करते थे और उन्हें हवाई जहाज से कुछ अच्छा खासा ही लगाव था। वो जब भी हवाई जहाज देखते वो देखते ही रह जाते। पिता को जब ये बात पता चली तब पिता ने ठान ली कि बच्चों को एक दिन कलकत्ता एयरपोर्ट पे ले जाकर नजदीक से हवाई जहाज दिखाएंगे। तब आज का कोलकाता कलकत्ता हुआ करता था। वैसे आपको बता दें कि निरहुआ बंगाली बहुत अच्छी बोल लेते हैं। उसके पीछे रीजन सिर्फ यही है कि निरहुआ का अच्छा खासा समय कलकत्ता में बीता हुआ है। तो चलिए अपने कहानी को कंटिन्यू करते हैं। जैसे ही पिता ने कहा कि आज मैं आप सभी को नजदीक से हवाई जहाज दिखाऊंगा और आप देखिएगा कि नजदीक से हवाई जहाज दिखती कैसी है, पिता द्वारा ये बात सुनकर निरहुआ के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सभी बच्चे यानी कि निरहुआ के सारे भाई बहन एक साथ तैयार होकर पिता के साथ चल दिए हवाई जहाज देखने। जैसे ही वो कलकत्ता एयरपोर्ट पे पहुंचे वहां जाके उनके हाथ निराशा लगी, क्योंकि जिस नियम के तहत 20 रुपया देने पर उन्हें नजदीक से हवाई जहाज देखने का मौका मिलता वो नियम एयरपोर्ट विभाग ने बंद कर रखा था। वहां पहुंचते ही पिता के साथ साथ सारे बच्चे मायूस हो गए। लेकिन जब पिता ने देखा कि सारे बच्चों के चेहरे पर मायूसी छा गई है तब पिता ने बड़ी ही समझदारी से अपने सभी बच्चों को एक सीख दी कि ईमानदारी और निष्ठा से हर काम करो, एक दिन मंजिल आपके हाथ होगी। ऐसा काम करो कि हवाई जहाज देखने का मौका न मिले बल्कि हवाई जहाज में बैठने का मौका मिले। ये सारी बातें निरहुआ ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने एक फोटो पोस्ट कर दी। जब अपने जीवन से जुड़े इस किस्से को निरहुआ बयां कर रहे थे तब वो कोलकाता एयरपोर्ट पे ही बैठे हुए थे। कहते हैं ना, जहाँ चाह है वही राह है। निरहुआ ने न जाने कितने बार हवाई यात्रा की होगी, न जाने कितने बार उन्होंने इसका रोमांच महसूस किया होगा, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि आज भी पिता द्वारा दी गई सीख उन्हें बखूबी याद है। इससे पता चलता है कि आज भी वो कितने जमीन से जुड़े हुए इंसान हैं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।